नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप इस समय सुन रहे हैं शिशुपाल वधम। महाकवि माघ की रचना है। पिछली बार मैंने कहा था कि इस काव्य के बारे में कहा जाता है कि नव सर्ग गति माघे नव शब्दों न विद्यते, यानी माघ काव्य, क्योंकि महाकवि माघ की रचना, इसलिए शिशुपाल वध महाकाव्य का दूसरा नाम माघ काव्य भी है, कवि के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो इसके अगर नौ सर्ग आप पढ़ लें तो फिर आपको किसी डिक्शनरी की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वहां तक इतने नए शब्द आ जाते हैं कि फिर आपको किसी कोश की आवश्यकता नहीं रहती है। चलिए ऐसे इस महान महाकाव्य का 49वां श्लोक में देखना है। प्रभुर बुभूषुर भुवनत्रयस्य यः शिरोति रागा दृशमं चिकर्तिषु अतर्कयत विघ्नमिवेष्ट साहसः प्रसाद मिच्छा सदृशं पिनाकिनः। हमने 48वें श्लोक में देखा था कि हिरण्यकश्यपु की बात पूरी हुई और वही हिरण्यकश्यपु अगले जन्म में रावण के रूप में जन्म लेता है। अब रावण के रूप में जन्म लेने के बाद उसने क्या क्या पराक्रम किए हैं, इसका वर्णन नारद मुनि यहां श्री कृष्ण से कर रहे हैं कि प्रभुर बभूवु भुवनत्रयस्य, वो तीनों लोकों का स्वामी बन गया। इतना पराक्रमी है कि वो रावण अपने पराक्रमों से तीनों लोकों का अधिपति बन गया, तीनों लोकों का स्वामी बन गया। लेकिन अभी मेरा एक व्याख्यान था और उसमें मैंने कहा था कि देवताओं में देवत्व प्रतिस्थापन हमने किया है, देवताओं को देवता हमने बनाया है, और उसमें सबसे ज्यादा योगदान उन्हीं लोगों का होता है जिनको बहुत सफलताएं मिलती हैं। अब जब रावण को अत्यधिक सफलताएं मिली तो वो सफलता रुक जानी चाहिए, वो सफलता टिकी रहनी चाहिए। ऐसा ना हो, एक भय लगता है कि जो प्राप्त हुआ है पद, वो पद हमसे छिन ना जाए। तो उसको सार्थक करने के लिए व्यक्ति बड़ी से बड़ी पूजा, बड़े से बड़ा यज्ञ, बड़े से बड़ा जप तप करने के लिए तैयार होता है। और इसके लिए रावण ने शिव जी की उपासना की। अब पुराणों में ये उल्लेख पाया जाता है कि शिव जी की जब उपासना की तो अपने मस्तक काट के उसने आहुति चढ़ाई है। तो सिरो तिरागा दसमं चिकर्तिषु, यानी शिव के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाने के लिए, इसमें भक्ति कुछ नहीं दिखानी होती है, हर भक्त ये चाहता है कि मेरी मनोकामना सिद्ध हो। तो यहां तो कवि है, तो कवि के हिसाब से कह रहा है कि अपने उस अतिशय राग को दिखाने के लिए, अपनी अतिशय भक्ति को दिखाने के लिए, या अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए दसमम शिरो चिकर्तिषु, जिसने अपना दसवां सिर काटने की बिल्कुल तैयारी कर दी। अतर्कयत विघ्न निवेष्ट साहस, उसी समय शिवजी प्रकट हो गए और शिवजी जो उसको वरदान देना चाहते हैं, तो भैया आप ये दसवां सिर किस लिए चढ़ा रहे थे? शिवजी को प्रसन्न करने के लिए ना। अब बिना सिर काट के चढ़ाए भी अगर शिवजी प्रसन्न हो गए हैं तो उसको ये लगता है कि नहीं, ये तो मेरे कार्य में विघ्न पड़ गया। मैं जो अपना सिर काट के आहुति देना चाहता था वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ, और शिवजी पहले ही प्रकट होकर अगर वरदान देने लग गए हैं। प्रसाद मिच्छा सदृशम पिनाकिना अतर्कयत विघ्न इव, शिवजी की उस प्रसन्नता को, शिवजी जिस वरदान को देना चाह रहे हैं उसको उसने अपने कार्य में पड़ने वाला विघ्न समझा, अपने उस साहसपूर्ण कार्य में ये विघ्न उत्पन्न हो गया है, इस प्रकार का उसको एहसास हुआ। देखिए यहां व्यक्ति की मानसिकता का वर्णन किया जा रहा है कि रावण जिसकी भक्ति कर रहा है उसकी भक्ति में भी वो जो करना चाहता है वो जब तक पूर्ण ना हो जाए तब तक उसका भगवान भी प्रसन्न नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की अपेक्षा रखता है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं,
जब उनको कुछ सफलताएं मिल जाती है ना, तो फिर वो ये समझते हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं वही सच है और वही सत्य है। ऐसे में अगर उसके उस कार्य को रोक करके कोई उसको आगे बढ़ने की सलाह देता है कि भाई इसकी आवश्यकता नहीं, आप ऐसे भी आगे जा सकते हो, तो उसको लगता है कि नहीं 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 मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है। तो ये रावण ऐसा इस प्रकार के स्वभाव का है। चलिए आगे चलते हैं। समुक्षिपण्यः पृथ्वीभृतां वरम वर प्रदानस्य चकार शूलिनः त्रिसत्तुषाराद्रिसुता ससंभ्रमं स्वयं गृहाश्लेष सुखेन निष्क्रयम्। अब शिव जी ने वरदान दे दिया। हमें रावण की कथा तो पता है कि अत्यंत अभिमान में आकर के जब उसको लगा कि मेरी ये भुजाएं जो हैं ये तो सिर्फ एक भार स्वरूप हैं, तो अपनी भुजाओं की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वो जाकर के कैलाश पर्वत को ही अपने हाथों पे उठा लेता है। और उस कथा प्रसंग का यहां महाकवि माघ वर्णन करते हैं कि पृथ्वी भ्रताम समुक्षिपण्य, हिमालय जो इस पृथ्वी को धारण करता है उसमें जो श्रेष्ठ है, ऐसी उस हिमालय के कैलाश पर्वत को जब वो रावण अपने हाथों से ऊपर उठाता है तो अचानक कैलाश पर्वत भाई कोई उठाएगा तो हिलने लग जाएगा। तो त्रशत तुषाराद्रिशुतास संभ्रमम, ऐसे में एकदम से त्रशत यानी घबराई हुई तुषाराद्रिशुता यानी हिमालय की जो पुत्री है, कौन, माता पार्वती जो है, ससंभ्रमम एकदम से घबरा के स्वयं गृहाश्लेष, स्वयं शिव जी के गले में अपनी बाहें डाल करके और शिव जी का आलिंगन करती हैं, शिव जी को पकड़ लेती हैं। यानी उस पहले श्लोक में जिसका वर्णन आ चुका है, उस पराक्रमी रावण ने अपनी भुजाओं की शक्ति के प्रदर्शन के लिए जब कैलाश पर्वत को अपने हाथों पर उठाया तो उस समय कैलाश पर्वत के हिलने से जो हिमालय की पुत्री पार्वती हैं वो त्रसित हो गई, डर गई, घबरा गई और ससंभ्रमम एकदम घबराहट में, भाई पत्नी घबराहट में होगी तो क्या करेगी, पति के पास जाएगी। तो वहां शिवजी उनके पास उपस्थित हैं तो जल्दी से जोर से उन्होंने शिवजी को अपने बाहों से पकड़ लिया है, बाहों में जकड़ लिया है। तो ये शिवजी की बिना मांग के भी जो पार्वती जी ने उनको आलिंगन दिया है, ये जो सुख शिवजी को प्रदान हुआ, ये सुख ऐसे ही नहीं प्रदान हुआ, वो तो शिवजी ने जो वरदान दिया था उस वरदान के बदले में शिवजी को इस प्रकार के सुख की प्राप्ति हो, इसलिए रावण ने ये कार्य किया है। तो रावण ने शिवजी के द्वारा दिए गए वरदान को यहां पे निष्क्रयम उसका विनिमय किया, उसके सामने उनको पत्नी के आलिंगन का सुख दिलवा दिया। तो महाकवि हैं, इनकी जो विशिष्ट कल्पना शक्ति होती है वो कविता को और सुंदर बनाती है। चलिए यहां पे शिवजी का वरदान और रावण के द्वारा किया गया ये एक कार्य जिससे पार्वती जी शिवजी का आलिंगन करती हैं, वो भी बिना शिवजी के कहे। अधिकांश ऐसा तो होता है कि पति जो है पत्नी से इस प्रकार का आग्रह करता है और तब उस आलिंगन की प्राप्ति होती है, लेकिन ये तो सामने से ये मिला है बिना मांगे, तो ये तो एक उपकार जैसी बात हो गई और उस उपकार का कारण रावण बना है क्योंकि उसने उस पर्वत को उठाया था। आगे चलते हैं 51वें श्लोक को देखते हैं। पुरी मवस्कंदलुनी ही नंदनम, पुरी मवस्कंदलुनी ही नंदनम मुषाण रत्नानि हराम रांगनाम निगृह्य चक्रे नमुची द्विषाबली य इत्थमस्वास्थ्यम हर दिवम दिवा। पुस्तक सामने रखिए, 51वां श्लोक है। पुरीम अवस्कंदलुनीह नंदनम, कस्य नंदनम, तो नमुचिर द्विषा, नमुची के शत्रु जो इंद्र हैं उनको विग्रोही बंदी बना करके और उनकी नगरी का
जो अवस्कंद बाहर एक उद्यान है जिसको आप नंदन वन के नाम से जानते हैं, लुनी ही उसको बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। रत्नानी मुषाण, और जितने रत्न थे स्वर्ग में उन सब रत्नों को उसने वहां से ले लिया है। वैसे तो मुषाण का अर्थ होता है कि चोरी करना, लेकिन अब यहां चोरी वाली बात तो नहीं आती है, लेकिन वहां से जबरदस्ती ले लेने वाली बात आती है। और हराम अंगना, और जितनी वहां की स्वर्ग की सुंदर सुंदर अप्सराएं और स्त्रियां थी उन सब का उस रावण ने हरण कर लिया। चलिए शिवजी के साथ जो हो गया वो तो हमने देख लिया। अब वो रावण स्वर्ग जाता है, और जब वो स्वर्ग गया है तो उसने क्या किया है कि सबसे पहले तो नमुची का जो शत्रु है यानी जो इंद्र है उसको, उस बलवान इंद्र को स्वयं पकड़ के एक प्रकार से बंदी बना लिया है, और उसके नंदनवन को तहस नहस कर दिया है, रत्नों को वहां से सब भर लिए हैं, वहां से ले लिए हैं, और जो अंगनाएं हैं, जो देवांगनाएं हैं, जो सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं हराम उनका हरण किया है। इत्थम अस्वास्थ्य महर दिवम दिवा, इस प्रकार से उसने एक बार नहीं किया, जैसे 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 जब भी इंद्र अपना सिर उठाने की कोशिश करते हैं तब भी वो फिर से आता है स्वर्ग में, फिर इंद्र को पाठ पढ़ाता है, फिर पूरे बगीचे बगीचे को उजाड़ देता है, और फिर जो भी सुंदर कन्याएं हैं स्त्रियां हैं उनको अपने साथ लेकर के चला जाता है। इस प्रकार से इत्थम यानी इस प्रकार से अस्वास्थ्य हर दिवम दिवा, उसने पूरे स्वर्ग को अस्त व्यस्त कर दिया। यहां तो अस्वस्थ शब्द मतलब जब व्यक्ति को मानसिक रूप से शांति ही नहीं मिले, तो यहां ऐसा स्वर्ग के साथ उसने एक बार नहीं किया है, बार बार ये पराक्रम उसने स्वर्ग के साथ दिखाया है। सलील यातानि न भर्तुर भ्रमोर न चित्र मुच्रई स्रवसा पद क्रमम अनुद्रुता संयति येन केवलम बलश शत्रु प्रशंस शीघ्रताम। भैया रावण जब स्वर्ग पे आक्रमण करता है तो इंद्र में पहली बार तो किया होगा सामना, अब सामना करने की तो शक्ति है ही नहीं इंद्र के पास, डर लगता है रावण से, अब सामना नहीं करोगे तो क्या करोगे, भागना पड़ेगा, और जब भागोगे तो फिर भैया कुछ ऐसा चाहिए जो शीघ्रगामी हो, जल्दी से शत्रु से दूर ले जाए। वर्णन करते हैं महाकवि मां कहते हैं शलील यातानि न भर्तुर भ्रमुर, भाई इंद्र के पास ऐरावत हाथी है, उच्च स्रवा घोड़ा है तीव्र गति से चलने वाला, ऐरावत हाथी है उसकी भी एक अपनी गति एक अपनी चाल, और हाथी तो अपनी चाल के लिए जाना जाता है, हाथी किसी चाल की वजह से स्त्रियों को गजगामिनी कहते हैं, तो जिस हाथी जो अपनी चाल के लिए मस्त चाल के लिए मदमस्त चाल के लिए जाना जाता है, आज इंद्र को ऐरावत की उस मस्त मस्त मदमस्त चाल की आवश्यकता नहीं है, वो प्रशंसनीय नहीं है इंद्र के लिए कि वो अपनी मस्ती में आहा कुत्ते भौंकते हो तो भौंकते रहें, और वो अपने हिसाब से हाथी चलता चला जाता, उसको किसी चीज का भय नहीं होता, किसी चीज की चिंता नहीं होती, किसी चीज का फिकर नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं, वो अगर कहीं पैर रखेगा तो फिर कोई और पैर उसके बीच में टांग अड़ाने का काम नहीं कर सकता है। और ये तो हाथियों का भी राजा है, सर्वश्रेष्ठ हाथी ऐरावत है, तो इंद्र को यहां ऐरावत हाथी की वो जो शलीलता है यानी जो उसकी एक मदमस्त चाल है वो उसके लिए प्रशंसनीय नहीं थी। उच्च स्रवसा चित्रम पदक्रमम, और उच्च स्रवा घोड़ा भी जो अपनी विशिष्ट चाल के लिए जाना जाता है, कई बार आपने शादी विवाह में देखा होगा कुछ घोड़े ऐसे आते हैं जो वहां ताल के साथ में डांस करते हैं नृत्य करते हैं, और घोड़ों का ये नृत्य इतना प्रसिद्ध होता है कि कई बार तो जब घोड़े नचने वाले नहीं मिलते हैं यानी जो घोड़े अच्छे हैं उनका डांस अगर आपको प्रस्तुत भी करवाना तो बड़े महंगे पड़ते हैं वो, तो अगर वो संभव नहीं होता है तो कोई व्यक्ति घोड़े का आगे पीछे वो इस प्रकार का पहन के और वो व्यक्ति डांस करता है, तो ये घोड़ों की चाल और घोड़ों का नृत्य ये बड़ा ही प्रसिद्ध है, और ये आज से नहीं है, ये बहुत पुराने समय से महाक के समय भी है।
तो उच्चैः स्रवसः चित्रम पदक्रमम, उच्चैः स्रवा घोड़ा का जो चित्र विचित्र पैर रखना यानी उसका जो नृत्यपूर्ण वो जो गमन है वो भी इस समय इंद्र के लिए अभिप्रेत नहीं था। अभिप्रेत क्या था? अनुद्रुतः संयति येन केवलम बलस्य शत्रु प्रशशंस शीघ्रताम। ऐसे समय पे जो बल का शत्रु यानी जो इंद्र हैं उन्होंने उसकी उस तीव्र गति की ही प्रशंसा की, वही उनके लिए इस समय प्रशंसनीय था। इस समय न तो वो घोड़े की चाल प्रशंसनीय थी न हाथी की मदमस्त चाल प्रशंसनीय थी। भैया भागने के टाइम पे तो जो शीघ्रता पूर्वक जो जल्दी से शत्रु से दूर ले जाए वही प्रशंसनीय था। तो इस समय ऐरावत हाथी की तीव्रता को और घोड़े के वेग को उसी की प्रशंसा यहां पे इंद्र ने की रावण के भय के कारण। अशक्नुवन शोड़ुम धीर लोचना सहस्र रस्मे रिव यस्य दर्शनम प्रविश्य है माद्रि गुहा द्रुहांतरम निनाय विभ्य दिवसानि कौशिकः। अब देखिए यहां कौशिक शब्द का प्रयोग किया है और इसके दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है उलूक और एक अर्थ है इंद्र। बड़ा ही सुंदर श्लोक है कि सहस्त्र रश्मे रिव यश्य दर्शनम, जैसे सूर्य का उदय हो और उलूक जो है वो सूर्य की किरणों को सहन नहीं कर सकता है, उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं और वो आंखें बंद करके किसी पेड़ की किसी पत्थर की गुफा में जाकर के अंदर छुप जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से इंद्र जो है वो हर तरफ से जो देदीप्यमान हो रहा जो तेजस्वी है उस रावण के दर्शन को सहन नहीं कर सकता है, उसकी आंखें रावण को देख नहीं सकती हैं। अशक्नुवन शोड़ुम अधीर लोचना, और तब और इंद्र को तो भैया उलूक के तो दो ही आंखें हैं वो चौंधिया जाती है, इन इंद्र के तो 1000 आंखें हैं, सहस्राक्ष हैं ये तो हैं, तो इनकी तो दशा क्या होती होगी रावण के उस पराक्रम को देख करके। तो वर्णन करते हैं कि प्रविश्य है मात्र गुहा गृहांतरम, वो हिमालय पर्वत की किसी गुफा के अंदर जाकर के निनाय विभ्य दिवसानी, डर के अपने दिनों को व्यतीत कर रहे हैं। तो स्थिति इस प्रकार की है कि जैसे सूर्य का उदय होने पे सूर्य की किरणों को उलूक देख नहीं सकता है या उसकी आंखें उससे ऐसी हो जाती हैं कि वो आंख बंद करके और किसी गुफा में किसी पेड़ के बखोल में छुप करके बैठ जाता है, उसी प्रकार से यहां पे इंद्र की स्थिति उस उलूक जैसी हो गई है। क्योंकि रावण सूर्य के समान देदीप्यमान होता हुआ जब उस इंद्र के सामने आता है तो इंद्र की हिम्मत नहीं पड़ती है कि आंख उठा करके उसकी तरफ देख पाए और भय इतना लगता है कि भयभीत होकर के हिमाद्री जो हिमालय है उसकी गुफाओं के अंदर जाकर के छुप करके भयभीत होकर के बैठ करके उसने अपना समय व्यतीत किया। बृहशिला निष्ठुर कंठ घट्टनाद विकीर्ण लोलाग्रिकणम सुरद्विषः जगत प्रभोर अग्र सहिष्णु वैष्णवम न चक्रमस्याक्रमताधिकंधरम। भैया शिशुपाल वध इसकी जो रचनाकार महाकवि माघ है वो स्वयं वैष्णव है, इसलिए यहां रावण के पराक्रम को श्रेष्ठ बताने के लिए सभी देवताओं के पराक्रम को निकृष्ट तो बताना पड़ेगा लेकिन विष्णु के पराक्रम को तो निकृष्ट नहीं बता सकते हैं ना, क्योंकि वो तो उनके इष्ट देव हैं। तो यहां पे कवि ने क्या सुंदर युक्ति की है, बृहत शिला निष्ठुर कंठ घट्टनाद, रावण के जो स्कंद है ना ये जो गर्दन है, भैया अपने सिर काट काट के जिसने शिव की वो आहुति दी हो अब वो इतने कठोर हो गए हैं कि जैसे बृहत शिला बहुत बड़ा पत्थर हो जिसके ऊपर
कोई भी शस्त्र से जब आप प्रहार करते हैं ना, तो विकिरण लोलाग्निकणम सुरत द्विषा, तो उसमें से सिर्फ आग की चिंगारियां निकलती हैं, किसी शस्त्र की असर नहीं होती है। यानी रावण के कंधे और रावण की गर्दन ऐसी विशाल चट्टान जैसे हैं कि इसके ऊपर किसी भी शस्त्र से किया गया प्रहार उसको नुकसान तो नहीं पहुंचाता है, बल्कि उससे टकरा के अग्निकणम विकीर्ण चारों तरफ आग की चिंगारियां छूटती हैं। तो ऐसे में वो जो देवताओं का सुरत विषा शत्रु है जगत प्रभो, वो समस्त संसार का स्वामी हो गया, और जब स्वयं विष्णु ने भी उसको परास्त करने के लिए उसके ऊपर अपने चक्र का प्रहार किया, न चक्रमस्या क्रमदाधिकंधरम, तो वो चक्र भी उस रावण के कंधे पे से उसके सिर को अलग नहीं कर सका, वहां चक्र भी निष्फल हो गया, चक्र भी सिर्फ अपनी चिंगारियां छोड़ करके और वहां से बेकार होकर के विफल हो गया। तो भैया रावण बड़ा पराक्रमी है, तो एक ही वीडियो में तो उसके पराक्रम पूरे नहीं हो जाएंगे। तो यहां तक हमने 54 श्लोक देखे हैं, आगे की चर्चा अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, आनंद लीजिए। ये शिशुपाल वध जो बाकी रह गया था इसको पूर्ण करने का प्रयास कर रहा हूं। धन्यवाद।